जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को यानी कि आज 36.88 करोड़ लागत से बन रहे सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। दिया कुमारी ने कहा कि मानसून में जल भराव की समस्या से सभी लोग बरसों से परेशान थे, परंतु आज इस ड्रेनेज प्रोजेक्ट अब इस समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट, रेलवे ओवरब्रिज, बालिका कॉलेज और सैटेलाइट हॉस्पिटल आ रहे हैं। अन्य जन समस्याओं के निराकरण के लिए मैं जल्द ही इलाके में साप्ताहिक जन सुनवाई शुरू करने जा रही हूं। सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा होने से भवानी निकेतन, ढेर के बालाजी, अलका सिनेमा, एक नंबर एंड सन मून, मुरलीपुरा एवं विद्याधर नगर आदि क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही वार्ड नंबर 4 में 2,30,00,000 रुपए की लागत से सर्वोदय कॉलोनी से लाला राम नगर बडारना में जल निकास ड्रेनेज का निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के सतत प्रयासों के बाद से जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 26.52 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। सीकर रोड ड्रेनेज प्रोजेक्ट के पहले चरण में 16.09 करोड़ की लागत से सीकर रोड के पूर्वी तरफ तथा 20.53 करोड़ की लागत से सड़क की पश्चिमी दिशा में नाले का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में वी के आई से सेंट्रल सपाइन होते हुए बड़ी खेड़ा और मुरलीपुरा में 19.21 करोड़ की लागत से नालों का निर्माण करवाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में 13.29 करोड़ की लागत से बाईपास रोड और खेतान अस्पताल के पीछे नाले का निर्माण करवाया जाएगा। इस दौरान जिला पदाधिकारी, समस्त मंडल अध्यक्ष, समस्त वार्ड पार्षद, मोर्चा अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, जनाब पदाधिकरण, व्यापार मंडल पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं विद्याधर नगर के सम्मानित जन मौजूद रहे। रोड पे जो ये जल भराव की समस्या वर्षों से चली आ रही थी और आज इसका काम शुरू होने वाला है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे यूडीएच मंत्री जी का, कि उन्होंने ये मांग पूरा बहुत जल्दी इस मांग को पूरा किया। इसमें समय लगेगा तो इस मॉनसून पे तो निजात नहीं मिलने वाली, लेकिन अगली बार इसमें इन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। बहुत बड़ी समस्या थी, तो बहुत बड़ा ट्रैफिक जोन है, ये मेन एक तरह से देखा जाए तो हाईवे ही है और यहाँ पर पानी भरने से पूरी लोगों की जो यातायात भी प्रभावित होता था, इनका जो रोजाना का जो हर तरीके से दिनचर्या है, जीवन है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता था। लेकिन अगले वर्ष से हम पूरा प्रयास करेंगे काम जल्द से जल्द ये पूरा हो और ये इससे सबको ही पूरे क्षेत्र को लाभ मिले। कोई भी समय सही और गलत नहीं होता है। जैसे ही ये इसका टेंडर लगा, वर्क ऑर्डर जारी हुआ, हमने सोचा इसको शुरू किया जाए, शुरुआत होगी। हो सकता है मॉनसून के दिनों में काम थोड़ी धीमी गति से चले, लेकिन जैसे ही मॉनसून खत्म होगा, या हमारे यहाँ तो वैसे भी मॉनसून बहुत जल्दी शुरू नहीं होता, मैं तो ये कहूंगी पता नहीं कब तक एक्चुअल में मॉनसून शुरू होगा, तब तक हम इंतजार क्यों करें, काम शुरू हो जाना चाहिए। समय तो लगेगा जो लगेगा, लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मॉनसून है तो इसको अभी रोक दो, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर आप रोक दोगे, ऐसे नहीं होता। मुझे लगता है काम तुरंत शुरू करें।